गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतीत प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो हमारा पेपर है उसको पढ़ेंगे। मैं इस टॉपिक के अंतर्गत पाठ्यसहगामी क्रिया आपको प्रबंधन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसमें पहला था खेलकूद, उसको पढ़ चुके हैं। दूसरा है शैक्षिक कार्यक्रम। शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम दो सब टॉपिक को गौर करेंगे। पहला है वाद विवाद, दूसरा है निबंध लेखन। वाद विवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि वाद विवाद को हमारे इस पेपर के अंदर शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत क्यों रखा गया है उसको समझ लेते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य होता है कि उसके संपूर्ण पक्षों का विकास किया जाए, बच्चे के व्यक्तित्व के हर एक पहलू का विकास किया जाए। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन की अभिव्यक्ति के लिए जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसकी क्षमताएं होती हैं, उनको उजागर करने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए डिबेट और निबंध लेखन जैसे जो स्किल होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। तो पहला देखते हैं वाद विवाद को। वाद विवाद क्या है? वाद विवाद के द्वारा बच्चे की जो भावनाएँ होती हैं, उसकी जो क्षमता बौद्धिक क्षमताएँ होती हैं, उनको मौखिक अभिव्यक्ति प्रदान करना ही वाद विवाद है। वाद विवाद में के अंतर्गत तमाम चीज़ें हैं, जैसे इसके अंतर्गत भाषण भी आ जाता है, इधर देख लेते हैं, भाषण आ जाता है, तार्किक जो बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, और भी इसके चीज़ अंतर्गत चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन डिबेट क्या है? डिबेट किसी भी विषय पर या किसी भी थीम पर कुछ विशेष जो विषय विशेष होता है उस पर छात्र को पक्ष एवं विपक्ष उस विषय पर पक्ष एवं विपक्ष पर बोलने के लिए दिया जाता है। छात्र अपने पक्ष में अपनी जो विचार होते हैं, तार्किक क्षमताएं होती हैं, बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए उस पक्ष पर जो भी उसको दिया जाता है, चाहे विपक्ष में बोलना हो चाहे विपक्ष में बोलना हो, उस पर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा जो भी उसके सामने श्रोता होते हैं, जो भी उसके सामने सभा होती है, जो भी विद्यालय बोलता है, विद्यालय के बच्चे होते हैं, उनको अपनी बात के पक्ष में सहमत करना छात्र का उद्देश्य होता है या डिबेट का उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से डिबेट वह कला है जिसके द्वारा किसी विषय विशेष पर जो छात्र को पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए प्रदान की जाती है या दी जाती है, उस पर छात्र अपनी तार्किक क्षमताओं के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा, अपनी वैचारिक शक्ति के द्वारा, अपनी व्यापकता के द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करता है और श्रोताओं को उससे सहमत करता है। इसी कला को हम क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं या वाद विवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसका यह अर्थ हो गया, इसके पीछे कारण क्या थे वो मैं हम लोग ने जान लिए। आगे देखते हैं वाद विवाद का उद्देश्य क्या होता है। वाद विवाद का उद्देश्य को समझते हैं हम लोग। इसको देखते हैं, वाद विवाद का पहला उद्देश्य होता है विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना। मैंने बताया था कि तमाम योग्य व्यक्ति होते हैं, तमाम इंजीनियर्स होते हैं, तमाम तरीके के बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं, वो उनके अंदर योग्यताओं तो बहुत होती हैं, क्षमताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अपनी बात को वो सभा के सामने, समूह के सामने या किसी विशेष जनजिले के सामने वो अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते या विशाल जनसमुदाय के सामने अपनी बात को नहीं कह पाते। तो इससे तात्पर्य क्या होता है कि डिबेट के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। दूसरा होता है जो भाषा की समृद्धि होती है या भाषाई योग्यताओं का विकास होता है, उससे उस भाषाई योग्यता का विकास भी डिबेट के माध्यम से होता है। तीसरी बात करेंगे बौद्धिक योग्यताओं का विकास, व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर या छात्र के अंदर जो भी बौद्धिक क्षमता होती हैं उनका विकास भी डिबेट के माध्यम से होता है। अगली बात करेंगे उत्तरदायित्व निर्वहन की भावना का विकास। डिबेट के माध्यम से जो भी छात्र के उत्तरदायित्व होते हैं, बालक के उत्तरदायित्व होते हैं, उनके निर्माण की, उनको पूरा करने की, उनको निभाने की जो भावनाएं होती हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं तार्किक शक्ति एवं भाषागत शब्दकोश में वृद्धि। डिबेट के माध्यम से छात्र की या बालकों की जो लॉजिकल पावर होती है उसमें वृद्धि होती है और उसका जो शब्द भंडार होता है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके द्वारा या डिबेट के द्वारा छात्रों की श्रवण इंद्रियों एवं दृश्य इंद्रियों का विकास होता है, अर्थात छात्रों के अंदर सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति,
में वृद्धि होती है, अर्थात किसी भी बात को छात्र डिबेट जब डिबेट कर रहा होता है या डिबेट को सुन रहा होता है उससे उसके सहन शक्ति में वृद्धि होती है और जो उसकी देखने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने डिबेट को समझा। और आगे देखते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन को समझते हैं उसका, इसको क्यों रखा गया हमारे सिलेबस में। किसी भी छात्र की या जो भी छात्र होता है उसकी ऐसे उसकी लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए, उसकी जो राइटिंग स्किल है उसमें वृद्धि करने के लिए निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताओं को रखा जाता है, ताकि छात्र इन पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी इस क्षमता में वृद्धि कर सकें, अर्थात लेखन शैली में वृद्धि कर सकें। निबंध लेखन का अर्थ समझते हैं। निबंध लेखन का अर्थ होता है, निबंध लेखन वह कला है जिसमें छात्र किसी विषय विशेष पर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार समस्या का पूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से लिखा गया कोई भी कार्य या कोई भी चीज ऐसे लेखन कहलाती है। इस प्रकार से हमने निबंध लेखन का अर्थ समझा। अब देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं या निबंध लेखन से क्या लाभ होते हैं। पहला है, इससे छात्रों की विचार एवं तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है, या उसका विकास होता है। दूसरा है, छात्रों के शब्दकोश की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा है, सृजनशीलता का विकास होता है कि छात्र अपनी बात को कितने बेहतर तरीके से, कितने नवीन रूप से और कितने आकर्षक तरीके से अपनी बात को लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से जब कोई छात्र अपनी बात को प्रस्तुत करता है तो उसके अंतर्गत जो भी क्रिएटिव पावर्स होती हैं लेखन शैली में वो प्रदर्शित होती हैं, इससे उनकी सृजनशीलता का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेखन कौशल का विकास। ऐसे लेखन के माध्यम से छात्रों की जो ऐसे स्किल होती है, राइटिंग स्किल होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा है, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। मैंने बताया था कि किसी भी विषय पर किसी विशेष सब टॉपिक को छात्र को दिया जाता है ताकि उस पर ऐसे लेखन कर सके। जब छात्र किसी समस्या पर ऐसे लेखन करता है या निबंध लिखता है तो उसकी जो समस्या समाधान की क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे लेखन का अर्थ समझा, इसका व्याकरण समझा, ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। दूसरा, इसका अर्थ क्या है। तीसरा, निबंध लेखन से क्या लाभ होते हैं उसको भी हम लोगों ने समझा। एक बार फिर देख लेते हैं, इससे छात्रों की विचार एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। नंबर दूसरा इसका लाभ है वो है, छात्रों के शब्दकोश की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तीसरा है, सृजनशीलता का विकास होता है। चौथा है, लेखन स्किल डेवलपमेंट होता है। पांचवा है, समस्या समाधान की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस टॉपिक के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रम हमारा टॉपिक था, उसमें दो सब टॉपिक थे, वाद विवाद और दूसरा निबंध लेखन। इसके अर्थ को समझा, इसके व्याकरण को समझा और इससे होने वाले लाभों को हमने देखा। आज इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से हम आपका समाधान आपको सुझाएंगे। आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। धन्यवाद।